more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह या फिर अजमेर शरीफ के नाम से मशहूर इस दरगाह में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। ये भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ न केवल मुस्लिम बल्कि दुनिया भर से हर धर्म के लोग खींचे चले आते हैं। यहाँ का मुख्य पर्व अरसा और इस्लाम कैलेंडर के रजब महीने की पहली से छठवीं तारीख तक मनाया जाता है। यहाँ कई राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्ट्रेस भी मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह में आने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1332 में यहाँ की यात्रा की थी। आपको बता दें, जहाँ लड़ा यह दरगाह के अंदर एक स्मारक है जो कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के समय यहाँ पानी का मुख्य स्रोत था। आज भी जहाँ लड़ा का पानी दरगाह के पवित्र कामों में लिया जाता है। निजाम सिक्का एक साधारण पानी भरने वाले ने एक बार यहाँ मुगल बादशाह हुमायूं को बचाया था। इनाम के तौर पर उसे यहाँ एक दिन का नवाब बनाया गया। निजाम सिक्का का मकबरा भी दरगाह के अंदर स्थित है। आपको बता दें, अजमेर शरीफ में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उसके रूप में 6 दिन का वार्षिक उत्सव रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ख्वाजा साहब 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में रखकर अल्लाह की दुआ की थी। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि इस समय अल्लाह की मुरीदों को द्वारा एकदम गर्म जलते कढ़ाई के अंदर खड़े होकर यहाँ खाना वितरित किया जाता था। अजमेर शरीफ के अंदर बनी हुई अकबर मस्जिद अकबर द्वारा जहांगीर के रूप में पुत्र रतन की प्राप्ति के समय बनाई गयी। वर्तमान में यहाँ मुस्लिम धर्म के बच्चों को कुरान की तामील दी जाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आसिफ रहमान की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.